हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज़ शाइनी एंड एजुकेशनल चैनल। हमारे चैनल पे फिर से आपका एक बार स्वागत है। और आज हम पढ़ रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 7 की इंग्लिश रीड बुक, और आज हम कर रहे हैं लेसन नंबर 5। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सभी नए वीडियोस नोटिफिकेशन के थ्रू प्राप्त हो पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं लेसन नंबर 5, द क्राउडेड ट्रेन। ओके, इसमें जैसा कि आप देख सकते हो, एक ट्रेन का सीन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं, ये TTE टिकट चेक करने के लिए आता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। पहले, हैव यू एवर ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, क्या आपने कभी ट्रेन में सफ़र किया है? हैव यू एवर बॉट अ टिकट योर सेल्फ, क्या आपने कभी खुद से रेलवे का टिकट लिया है? व्हाट हैपेंस इफ समवन ट्रेवल्स विदाउट अ टिकट, क्या आपको पता है कि अगर कोई बिना टिकट के ट्रैवल करता है तो क्या होता है? और ये सब क्वेश्चंस आप डिस्कस करो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ भी पूछ सकते हो, अपने टीचर को भी पूछ सकते हो। ओके, चलिए विल स्टार्ट। विनोद फिनिश्ड हिज वर्क एट ऑफिस एंड बॉट अ फ्यू थिंग्स टू टेक बैक टू इंदौर। विनोद ऑफिस का काम खत्म करता है, फिनिश्ड हिज वर्क एट ऑफिस एंड bought a few things, और वो कुछ चीज़ें ख़रीदता है जो कि उसको अपने साथ अपने घर लेके जानी है इंदौर। राइट, सो ही हैड कम ऑन एन ऑफिशियल विजिट टू भोपाल इन द मॉर्निंग, तो वो आज सुबह क्या है, भोपाल आया हुआ था ऑफिशियल विजिट के लिए। ऑफिशियल विजिट मतलब उसके ऑफिस का कोई काम होगा, उसके लिए उसको भोपाल आना हुआ था। एंड प्लान्ड टू रीच होम बाई नाइट, और उसको रात होने तक अपने घर पहुंचने का प्लान है उसका। ओके, एज ही रीच्ड भोपाल रेलवे स्टेशन ही नोटिस दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, तो जैसे ही वो भोपाल रेलवे स्टेशन पहुंचा तो उसने देखा, ही नोटिस्ड, उसने देखा दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, जो ट्रेन थी ना वो बहुत भरी हुई थी। ओवर क्राउडेड मतलब जितने उसमें बैठते हैं उससे भी ज़्यादा लोग उसमें थे। एंड इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर हिम टू ट्रेवल बाय सेकेंड क्लास, तो उसके पास क्या है, सेकेंड क्लास का टिकट था और उसको ऐसा लग रहा था कि भाई इतनी भीड़ में तो मैं ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, ही हैड नो टाइम ईदर टू चेंज हिज ट्रेवल प्लान और टू बाय अ न्यू टिकट, और उसके पास इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि ट्रेन का छूटने का टाइम हो गया था, तो उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो फिर से या तो दूसरा टिकट करे या फिर इसी ट्रेन दूसरी टिकट ट्रेन का करे या फिर इसी ट्रेन का दूसरा टिकट वो खरीद पाए, इतना टाइम नहीं था। ही नोटिस दैट देयर वर सम वैकेंट सीट इन एसी कोचेस, तो उसने क्या देखा, उसने देखा कि एसी कोचेस में मतलब एयर कंडीशन कोचेस में कुछ सीट्स खाली है। ओके, देन ही बोर्डेड द ट्रेन एंड डिसाइडेड टू ट्रेवल इन अ एसी कोच, तो वो ट्रेन में बैठ गया और उसने सोचा कि चलो हम लोग आज मैं एसी कोच में ट्रेवल करूँगा। ही इंटेंडेड टू पे द डिफरेंस एज सून एज द TTE अराइव्ड, और उसने ऐसा नहीं सोचा कि मेरे पास सेकेंड क्लास का टिकट है और मैं एसी में बैठ के जाऊँगा, चीटिंग करूँगा, नहीं, उसने सोचा कि जब TTE आएगा, TTE मतलब ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर, जो टिकट में जो ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए आता है ना, ब्लैक कोट पहने होते हैं, तो उसने सोचा कि जब वो आएगा तो मैं उससे ये टिकट को अपग्रेड करा लूँगा एसी में, मतलब जो भी डिफरेंस अमाउंट है, जितना डिफरेंस है उसके प्राइस में और इसके प्राइस में, वो मैं अपग्रेड करा लूँगा। ही गॉट इन टू द कोच एंड सेट डाउन ऑन वन ऑफ द टू वैकेंट सीट, तो वो एसी कोच में बैठ गया और उसको दो सीट मिली थी खाली, तो उसमें से एक पे वो बैठ गया। ओके, देन द अदर पैसेंजर्स इन द कोच अपीयर टू बी रिच बिजनेसमैन,
तो उसने देखा कि जो कोच में बैठे हुए थे बाकी पैसेंजर और लोग, वो क्या थे, अपीयर टू बी रिच बिजनेसमैन, वो बहुत पैसे वाले और बिजनेसमैन जैसे दिख रहे थे उसको। दे वर वेल ड्रेस्ड, वो अच्छे कपड़े पहने हुए थे। जस्ट एज द ट्रेन वॉज अबाउट टू स्टार्ट, और जैसे ही एक ट्रेन स्टार्ट होने जैसे ही ये ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वॉर्न आउट सूटकेस जम्पड इन एंड सेट डाउन। तो जैसे ही ट्रेन स्टार्ट होने वाली थी, एक पुअरली ड्रेस्ड मतलब जिसके कपड़े मतलब अच्छे नहीं थे इतने, वो ऐसे कपड़े पहने हुए एक यंग मैन और वॉर्न आउट सूटकेस मतलब उसका सूटकेस भी फटा और टूटा हुआ जैसा था, जम्पड इन एंड सेट डाउन, वो ट्रेन में चढ़ा और एक सीट में बैठ गया। ही लुक्ड एज इफ ही हैड नो जॉब, और उसको देखते से ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई काम भी नहीं है। द यंग मैंस कोट वॉज टाइट एंड शॉर्ट एट द बैक, और वो जो कोट पहने हुए था वो बहुत ही छोटा हो रहा था उसको। ओके ही सीम टू बी अ लिटिल आउट ऑफ प्लेस विथ ऑल दीज रिच पीपल एज अ को पैसेंजर अराउंड हिम। तो वो बाकी के लोग जो भी इस कोच में बैठे हुए थे उनके मुकाबले वो बिल्कुल अलग ही लग रहा था, आउट ऑफ प्लेस मतलब वो जगह पे वो फिट नहीं हो रहा था, आउट ऑफ द प्लेस लग रहा था। सम ऑफ देम स्टार्टेड विस्परिंग वाइल अदर्स फेल्ट अनकम्फर्टेबल ड्यू टू हिज प्रेजेंस। तो क्या हुआ, धीरे धीरे लोग आपस में ऐसे घुसे पुसे करना चालू कर दिए उसके बारे में, और कुछ लोगों को तो अनकम्फर्टेबल फील हुआ मतलब उनको अच्छा नहीं लगा ड्यू टू हिज प्रेजेंस कि वो उनके साथ ट्रेवल कर रहा है। टू ऑफ द पैसेंजर स्टॉप्ड रीडिंग न्यूज़पेपर, और उसमें से दो पैसेंजर जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उन्होंने न्यूज़पेपर पढ़ना ऐसे थोड़ी देर के लिए रोका एंड लुक्ड अप एंड डाउन एट द यंग मैन, और उसको और वो यंग मैन को ऊपर से नीचे तक देखा एंड देन स्टार्टेड रीडिंग अगेन, और वो वापस से न्यूज़पेपर पढ़ने लगे। विनोद वॉज सरप्राइज टू सी सच अ मैन इन एसी कोच। तो जो विनोद है वो उसको बहुत ही सरप्राइज हुआ ऐसे पर्सन को एसी कोच में जाते हुए। ही रिकॉल्ड हाउ क्राउडेड द ट्रेन वॉज, तो उसको याद आया कि ट्रेन बहुत ओवर क्राउडेड थी, राइट, पूरी भरी हुई थी। बट ही वंडर्ड इफ द यंग मैन कुड बी एबल टू पे द फेयर ऑफ द एसी क्लास, लेकिन वो सोच रहा था कि क्या इसके पास जो डिफरेंस अमाउंट है वो पे करने के लिए पैसे होंगे। विनोद थॉट परहैप्स द यंग मैन एक्सपेक्टेड दैट नो वन वुड कम टू चेक द टिकट। तो विनोद ने सोचा कि शायद ये पर्सन ऐसे सोच रहा होगा कि टिकट चेक करने के लिए कोई नहीं आएगा, परहैप्स नो वन वुड कम, कोई नहीं आएगा टिकट चेक करने के लिए, एंड ही वुड बी एबल टू ट्रेवल इवन विदाउट अ टिकट, और उसको लग रहा होगा कि वो बिना टिकट के ट्रेवल कर लेगा। बट जस्ट आफ्टर हाफ एन आवर द टीटीई अपीयर्ड, और तभी क्या होता है, लगभग आधे घंटे के बाद टीटीई आ जाता है। विनोद हेल्ड आउट द टिकट एंड द मनी टू पे द डिफरेंस। तो विनोद ने जो उसके पास सेकेंड क्लास का टिकट था वो निकाला और कुछ पैसे भी निकाले टिकट को अपग्रेड करने के लिए। द यंग मैन सैट स्टिल, और वो जो यंग मैन था वो अभी भी वैसे ही बैठा हुआ था। हैड ही नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास टिकट नहीं था। विनोद वंडर्ड व्हाई ही वॉज सो काम, तो विनोद को लगा कि ये इतना कूल कैसे बैठा है, कूल एंड काम कैसे बैठा है वो। इज ही नॉट अफ्रेड ऑफ द लॉ, उसको क्या डर नहीं लगता रेलवे के नियम तोड़ने पे, राइट। विल ही पे द पेनल्टी फॉर ट्रेवलिंग विदाउट टिकट, क्या वो फाइन भरेगा बिना टिकट के यात्रा करने के लिए। टीटीई मूव्ड टुवार्ड्स हिम एंड ही शोड द टिकट वेरी कामली। तो टीटीई क्या होता है, जैसे ही टीटीई उसके पास पहुंचा तो उसने अपना टिकट निकाल के दे दिया। ही हैड अ वैलिड टिकट फॉर ट्रेवलिंग इन द एसी कोच, और उसके पास पहले से ही एसी कोच का टिकट था, राइट। ओके चलिए यहाँ पे हमारी स्टोरी फिनिश होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दी हुई है, सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। फर्स्ट इज रीड एंड लर्न। तो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनका बस हमें मीनिंग समझना है। दिस इज फॉर योर वोकैबुलरी।
ओवरक्राउडेड, मीनिंग जितनी किसी की क्षमता है उससे भी ज़्यादा लोग उसमें हैं. ओवरक्राउडेड मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है किसी जगह पे, तो वी विल से ओवरक्राउडेड. पुअरली ड्रेस्ड मीनिंग जिसके कपड़े सही नहीं है, मतलब पुराने कपड़े फटे हुए, पुअरली ड्रेस्ड. वैलिड टिकट, तो टिकट है पर क्या है, वैलिड होना चाहिए. जैसे टिकट तो कोई भी हो सकता है, पर उसी ट्रेन का उसी कोच का टिकट है और उसी डेट का, तब वो वैलिड है. अदरवाइज़ कोई भी टिकट तो टिकट हो सकता है, बट वैलिड टिकट इज़ ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर जर्नी इन दैट पर्टिकुलर कोच. ओके. ऑफिशियल विजिट मतलब ऑफिस वर्क से रिलेटेड विजिट, कहीं पे जैसे ऑफिस किसी को भेजते कहीं पे साइट पे, राइट. वेल ड्रेस्ड मतलब अच्छे से कपड़े पहने हुए. वॉर्न आउट मतलब टूटा फटा हुआ. वैकेंट सीट मतलब खाली सीट, खाली जगह, वैकेंट. ओके, नाउ इट्स कॉम्प्रिहेंशंस. टेक द करेक्ट ऑप्शन. ओके, वेयर डिड विनोद गो, विनोद कहाँ पे गया था? तो विनोद अपने ऑफिस ऑफिशियल विजिट के लिए कहाँ गया था? भोपाल, राइट. सो दिस इज द राइट आंसर. वाई डिड विनोद डिसाइडेड टू ट्रेवल बाई एसी क्लास, तो उसने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि वो एसी में सफ़र करेगा जबकि उसके पास सेकेंड क्लास का टिकट था? बिकॉज द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, इसलिए द ट्रेन में इतनी भीड़ थी कि वो नहीं जा सकता था, इसलिए उसने एसी कोचेज में जाने का फैसला लिया. ओके, नेक्स्ट. द अदर पैसेंजर्स इन द कोच, तो जो कोच में जब वो गया तो बाकी के जो पैसेंजर्स थे वो कैसे थे? हैड अ वैलिड टिकट, या सबके पास टिकट था बट उसी के पास सिर्फ सेकेंड क्लास का टिकट था, राइट. सो एवरीबडी अदर पैसेंजर्स हैड अ वैलिड टिकट. द यंग मैन हु गॉट इन जस्ट व्हेन द ट्रेन मूव्ड वॉज, तो ट्रेन चलने से पहले एक यंग मैन उसमें बैठ गया, वो कैसा था? वॉज ही वेल ड्रेस्ड और डिड नॉट सीम्स टू हैव अ जॉब, ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई काम नहीं है, और कैरिंग अ न्यू सूटकेस, न्यू सूटकेस भी नहीं था उसके पास. तो ट्रेन मूव्ड डिड नॉट सीम टू हैव अ जॉब, ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई काम भी नहीं है. हु डिड नॉट हैव अ वैलिड टिकट, किसके पास था जो वैलिड टिकट नहीं था? तो विनोद के पास, राइट. विनोद सेकेंड क्लास का टिकट लेके स्लीपर सॉरी एसी में सफ़र कर रहा था, तो उसके पास ही वैलिड टिकट नहीं था. ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अरेंज देम इन ऑर्डर इन विच दे हैव अकर्ड इन द स्टोरी, तो स्टोरी में सबसे पहले क्या हुआ उसको हमें सबसे पहले लिखना है, जो बाद में हुआ होगा उसको बाद में लिखना है. ओके, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या होना चाहिए. विनोद पेड द डिफरेंस, विनोद ने एक्स्ट्रा पैसे जो भी डिफरेंस था वो दे दिए. द TTE अपीयर्ड, TTE आया. विनोद वांटेड टू गो बैक टू इंदौर, विनोद को अपने घर जाना था. ओके, ऑल द पैसेंजर्स वर सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एसी कोचेस. ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन एसी कोचेस एंड ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी एन अनयूजुअल लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म. एज द ट्रेन मूव्ड अ पुअरली वेल ड्रेस्ड मैन विद अ वॉर्न आउट सूटकेस जंप्ड इनटू द कोच. ओके, तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? सबसे पहले विनोद अपने इंदौर जाने के लिए प्लान करता है, राइट. ये दिस इज़ द फर्स्ट वन. उसके बाद जब वो जाता है तो इतनी भीड़ होती है ट्रेन में, यही हुआ था ना, ट्रेन में भीड़ थी तो उसने इसी में जाने का फैसला किया. तो ही वॉज सरप्राइज टू सी एन अनयूजुअल लार्ज क्राउड ऑन द प्लेटफॉर्म, सो दिस इज़ द सेकेंड. उसके बाद
उसने देखा कि एसी में कुछ खाली जगह है. ही नोटिस सम सीट्स वर वैकेंट इन द एसी कोच. ओके, उसके बाद ये टीटी और पेड द डिफरेंस, ये तो बाद में बैठने के बाद है. तो उसके बाद क्या हुआ था, जैसे ही ट्रेन चली, अ ट्रेन मूव्ड, अ पुअरली ड्रेस्ड यंग मैन विद अ वॉर्न आउट सूट केस जम्प्ड इन टू द कोच. ओके, उसके बाद जब वो यंग मैन बैठा, ऑल द पैसेंजर्स वर सरप्राइज्ड टू सी सच अ मैन इन एसी कोच. ओके, देन टीटी आता है 6 एंड देन 7 विनोद पेज द डिफरेंस अमाउंट. ओके, सो दिस इज डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, वर्ड पावर. यूज दीज फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वॉर्न आउट, वेल ड्रेस्ड, पुअरली ड्रेस्ड, हाईली प्राइज्ड, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट एंड अ वैलिड टिकट. इसको हम लोग सेंटेंस में यूज करना है. ही इज अ पर्सन, तो ही इज अ वेल ड्रेस्ड और पुअरली ड्रेस्ड, इसमें से हम लोग लिख सकते हैं. सो लेट्स से पुअरली ड्रेस्ड पर्सन. ओके, नेक्स्ट अ डैश लेडी वॉकड इन टू द शॉप. एक लेडी शॉप में आई, तो वो किस तरह की हो सकती है इनमें से, जैसे ये वाला हम लोग यूज़ कर चुके हैं, तो वर्न आउट तो नहीं होगा, वेल ड्रेस्ड हो सकता है. ओके, तो अ वेल ड्रेस्ड. ओके, एंड थर्ड, मीना बॉट अ डैश ड्रेस. तो उसने ड्रेस खरीदी कैसी, वर्न आउट, फटी हुई ड्रेस तो नहीं खरीदेगा कोई, राइट. हाईली प्राइज्ड खरीद सकता है, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट, वैलिड टिकट, दिस इज नॉट वैलिड, सो दिस इज हाईली प्राइज्ड. सो मीना बॉट अ हाईली प्राइज्ड ड्रेस. माई कोट इज रेली, कोट के बारे में बात हो रही है, तो वॉर्न आउट भर सकते हैं, फट गया है कोट. रशीद फाउंड दैट द ट्रेन वॉज ओवर क्राउडेड, राइट. इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ डैश इन द ओवर क्राउडेड ट्रेन. ट्रेन में क्या ढूंढना मुश्किल हो जाता है, सीट, तो वैकेंट सीट इसमें आ जाएगा. ओके, देन वी मस्ट हैव अ डैश फॉर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन. ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए हमको क्या चाहिए, वैलिड टिकट. ओके, तो देखिए हमारे सारे ऑप्शंस हो गए, ओवर क्राउडेड, वैकेंट सीट एंड अ वैलिड टिकट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एंड सर्कल द ऑड वर्ड्स. ऑड मतलब विच डजंट सीम्स टू बी फिट और विच सीम्स आउट ऑफ द सिनेरियो, राइट. सो लेट फर्स्ट कोच. कोच आपको पता है ट्रेन का कंपार्टमेंट होता है. सो दिस इज कंपार्टमेंट एंड दिस इज कैरेज. कैरेज भी वही होता है, कंपार्टमेंट एंड कोच, दीज आर ऑल सेम. बट बॉक्स, बॉक्स इज ऑड वन हियर. सो दिस इज, दे हैव हाईलाइटेड ऑलरेडी, बॉक्स इज ऑड वर्ड हियर. यहाँ पे देखिए TDE, जो टिकट चेक करने वाला आता है, एयर होस्टेस, जो फ्लाइट में एयर होस्टेस होती है, बस कंडक्टर ट्रेन में होता है, तो दीज आर ऑल फॉर चेकिंग सम और द अदर थिंग. सो दिस पैसेंजर इज द ऑड वन आउट हियर. ओके, ड्राइवर मीनिंग जो गाड़ी चलाता है, पायलट जो प्लेन चलाता है, गार्ड जो सुरक्षा करता है, एंड टैक्सी ड्राइवर जो टैक्सी चलाता है, तो ये तीनों ड्राइव करते हैं. दिस वन इज ऑड वन आउट हियर. क्राउड भीड़, पीपल मीनिंग स्टूडेंट्स, हर्ड मतलब ग्रुप, एंड स्वाम इसका मतलब भी एक तरह से ग्रुप होता है. तो दिस इज अ ग्रुप, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ एनिमल, दिस इज ऑल्सो ग्रुप ऑफ पीपल, क्राउड.
So this pupil is odd one out here. Next, train, bus, house and airplane. So train, bus and airplane तो आपको पता है इसमें हम लोग travel करते हैं. Then house is the odd one here. Okay. Alright, let's move on to the next one. Complete the following crossword puzzle using the clue. So यहाँ पे कुछ 1, 2, 3 up to 10 यहाँ पे clues दिए हुए हैं और यहाँ पे आपको एक crossword दिया हुआ है, ये आपको भरना है. तो देखिए, one who travels on a public or private conveyance, first वाला. तो क्या बोलते हैं उसको, जो public और private में travel कर रहा है उसको बोलते हैं passenger. तो ये first वाला उन्होंने भर के दिया हुआ है, passenger. Okay. Second one, this runs on rails. Rails पे क्या चलता है? Obviously train चलती है, right? So second one runs on rails. This second. तो क्या चलता है rails पे? Train. Train की जो पटरी होती है ना उसको rail बोलते हैं. So TRAIN, train. Okay. Then next, a piece of paper that gives the right to admission in a train or bus. एक paper का piece होता है जिससे हम लोग को अधिकार मिलता है कि हम लोग उसमें travel कर सकते हैं, permission मिलती है. तो उसको क्या बोलते हैं? Ticket, right? Bus में travel करने के लिए हम लोग ticket लेते हैं, train में travel करने के लिए ticket लेते हैं, same airplane में भी. तो third one is ticket. Where is the third? Here. So we will fill TICKET, ticket. Okay. Then next one. A place near a railway track for passenger to get on and off the train. Train में चढ़ने उतरने के लिए जो railway track के पास होता है वो उसको हम क्या बोलते हैं? Platform, right? उसके लिए ticket भी लगती है अगर किसी के पास किसी को छोड़ने आ रहा है तो वो platform ticket लेके अंदर जाता है platform तक. So that is called a platform. Fourth one. So fourth में हम लोग भर देंगे platform. PLATE plat. Sorry, not E. PLATFORM platform. Okay. Then fifth, a large number of people gathered together. कहीं पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं उसको हम क्या बोलेंगे? Five. So where is the five here? Starting with G. Crowd बोल सकते थे लेकिन यहाँ पे उन्होंने G passenger से G already आ गया और end with P. तो we can say group. Okay, group. Then next one, a luxury bus used for longer journey. लंबे travel के लिए एक luxury bus होती है, उसको क्या बोलते हैं? Under six. तो six. इसको बोलते हैं हम coach, right? आपने सुना ही होगा. COACH. Okay. Then next, a structure across a river, road, etc. तो river पे आने जाने के लिए क्या use करते हैं? Bridge. Okay. Number 7. Bridge. 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 Then number 8. Suitcase or other bags for carrying a traveler's belonging. जो हम लोग सूटकेस लेके जाते हैं अपना सामान रख के उसको क्या बोल सकते हैं? नंबर 8 पे कुछ भी हो, सूटकेस हो, बैग हो, सबको एक वर्ड से डिनोट करते हैं, दैट इज लगेज. LUGGAGE लगेज. Then number 9, a natural flow of water from one place to another. एक जगह से water flow होके दूसरी जगह जा रहा है, a natural flow.
उसको क्या बोलते हैं, नंबर 9. सो दिस विल स्टार्ट विथ आर एंड एंड विथ आर, तो रिवर, राइट. नेचुरल है, मैन मेड नहीं है, इसलिए रिवर. देन नंबर 10, अ प्लेस वेयर एरोप्लेन लैंड एंड टेक्स ऑफ, रनवे. राइट, दैट इज करेक्ट. और रनवे तो कई सारे हो सकते हैं, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट. AIRPORT. ओके, एयरपोर्ट. ऑलराइट, सो दिस वर्ड पजल इज कंप्लीटेड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ग्रामर इन यूज. रीड द सेंटेंस केयरफुली. ही हैड नो टिकट एट ऑल, मतलब उसके पास कोई भी टिकट नहीं था. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, दिस इज अ क्वेश्चन. देखिए यहाँ पे क्या है, ही हैड नो टिकट एट ऑल, पास्ट इंडेफिनिट. यहाँ पे दिस इज, आपको पता होगा हैज़, थर्ड थ्री फॉर्म्स होते हैं, हैज़, हैव एंड सॉरी, हैज़ हैव, दिस इज फर्स्ट फॉर्म, बोथ, दिस हैड इज सेकेंड एंड दिस हैड इज थर्ड. ओके, ये हैज़ हैव दो इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगुलर के लिए हैज़ लगा सकते हैं, प्लूरल के लिए हैव लगाते हैं, एंड ऑल्सो फर्स्ट पर्सन के लिए हैव लगाते हैं. बाकी थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन में हम लोग हैज़ लगाते हैं, थर्ड पर्सन. ओके, सो यहाँ पे देखिए वी टू दिया हुआ है, दैट मीन्स इट्स अ पास्ट इनडेफिनेट टेंस, राइट. सो अभी इसका क्वेश्चंस बनाएंगे हम, तो क्या बोलेंगे, डिड. डिड हम लोग हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, पास्ट इनडेफिनेट की. तो सबसे पहले आएगा डिड ही. अब जब हमने डिड लगा दिया तो ये हैज़ नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे. डिड ही हैव नो टिकट एट ऑल, क्या उसके पास कोई टिकट नहीं था, इसका आंसर है ही हैड नो टिकट एट ऑल, उसके पास नहीं था. नोटिस द चेंज इन द वर्ब फॉर्म. तो आपको पता चला यहाँ पे हैड था, यहाँ पे हैव हो गया. कैसे हो गया, क्योंकि ये दिस इज द वी टू एंड यहाँ पे हमने वी टू की जगह क्या है, डिड लग गया, इसलिए यहाँ पे वी टू नहीं आएगा, वी वन आएगा. सो दीज आर पास्ट इंडेफिनेट टेंस. हम अपने चैनल पे टेंस के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एंड अदर टेंसेज एंड ग्रामर. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यहाँ पे हमें सबके क्वेश्चन ही बनाना है. द मैन हैड अ बैग, मतलब मैन के पास एक बैग था, हैड मीनिंग पास्ट. ओके, तो इसका हमें क्वेश्चन बनाना है. तो पास्ट है इसलिए यहाँ पे सब में डिड लगा है, पास्ट इंडेफिनिट सब में डिड लगा हुआ है, देखिए. ओके, चलिए द, तो क्या हो जाएगा, डिड द मैन, और हेड का चेंज हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में, हैव अ बैग. ओके, द टी टी ई हैड अ हैट, देन डिड द टी टी ई हैव अ हैट. ही गॉट इन टू द ए सी कोच, सो डिड ही, गॉट का क्या हो जाएगा, गेट इंटू द ए सी कोच, क्वेश्चन मार्क. विनोद लिव्ड इन इंदौर, सो डिड विनोद लिव इन इंदौर, क्वेश्चन मार्क. विनोद पेड द डिफरेंस, सो डिड विनोद पेड का पे द डिफरेंस, क्वेश्चन मार्क. द पैसेंजर स्टार्टेड विस्परिंग, सो डिड द पैसेंजर्स स्टार्टेड का स्टार्ट विस्परिंग, क्वेश्चन मार्क, राइट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एकदम ईजी है.
Now, next one is rearrange the words to make a meaningful sentence. तो यहाँ पे कुछ words दिए हुए हैं जैसे इंदौर, इन, लिव्ड, विनोद. तो हमें इनको सही order में लिख के एक sentence बनाना है जिसका कुछ meaning निकलेगा. अभी हम पढ़ें इंदौर, इन, लिव्ड, विनोद. इसका कुछ meaning है? नहीं. एंड अगर इनको रीअरेंज कर दें हम विनोद लिव्ड इन इंदौर तो इसका मीनिंग निकल रहा है, राइट? तो इसी तरह से हमें बाकी करने हैं. देखिए तो यहाँ पे जैसे कोई भी सेंटेंस है तो उसमें ऐसा होता है सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ओके. फिर आएगा अगर उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स आएंगी, राइट? तो देखिए विनोद इसमें सब्जेक्ट हो गया, इसमें हेल्पिंग वर्ब वर्ब के साथ मर्ज्ड है, यहाँ पे वी टू यूज़ किया हुआ है इसलिए. तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट इंदौर, ओके. इसी तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं क्या होगा. ट्रेवल्ड ही एसी कोच इन एन. तो अभी देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट क्या है? ही. देन वर्ब देखिए, हेल्पिंग वर्ब इसमें कोई नहीं है, मेन वर्ब ट्रेवल्ड, ही ट्रेवल्ड, ओके. अभी देखिए क्या क्या बच्चा, एसी कोच इन एन. तो ही ट्रेवल्ड इन एन एसी कोच, राइट? उसने एसी कोच में ट्रेवल किया. नेक्स्ट वन टू डिफरेंस द पे डिसाइडेड ही. तो सब्जेक्ट सबसे पहले ही, देन वर्ब. सो डिसाइडेड एक ही वर्ब है इसमें, वैसे पे भी है. आप देखिए पे मतलब भी एक वर्ब है, लेकिन जब दो वर्ब आती है ना तो हम लोग बीच में टू लगाते हैं. तो यहाँ पे टू ऑलरेडी दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ही डिसाइडेड टू पे. टू लगा के दूसरा वर्ब टू पे. क्या है बच्चा? द डिफरेंस. पे द डिफरेंस. नेक्स्ट वन यंग मैन, ही यंग मैन द ड्रेस्ड वॉज पुअरली. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा? द यंग मैन. द यंग मैन पूरा सब्जेक्ट है. द यंग मैन वॉज हेल्पिंग वर्ब, राइट? हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए. तो यहाँ पे वॉज दिया था तो हमने हेल्पिंग वर्ब ले ली. अब मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है यहाँ पे? ड्रेस्ड. वॉज ड्रेस्ड और ऑब्जेक्ट बचा कुचा पुअरली, ओके. नेक्स्ट विनोद द इन कैप्ट हिज हैंड मनी रेडी. तो सबसे पहले सब्जेक्ट विनोद. अब देखिए आप कोई हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है. मेन वर्ब कैप्ट. तो विनोद कैप्ट. अब कैप्ट क्या कैप्ट? मनी. तो विनोद कैप्ट मनी, राइट? इन हिज हैंड कैप्ट मनी रेडी. ऑल्सो रेडी भी है तो विनोद कैप्ट द मनी रेडी इन हिज हैंड, ओके. ऑल रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स. ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. यूज द प्रीफिक्स आर ई री और यू एन अन टू राइट द न्यू वर्ड्स एंड री राइट देयर मीनिंग्स. देखिए जब हम किसी में आर ई लगाते हैं तो उसका मतलब हो जाता है वो काम फिर से करना, और किसी में यू एन लगाते हैं तो उसका अपोजिट हो जाता है. जैसे राइट, राइट का मतलब होता है लिखना. अगर री लगा दें तो री राइट, री राइट का मतलब राइट अगेन, फिर से लिखो, राइट अगेन, री राइट, ओके. इसी तरह से हैप्पी, अन लगा दिया तो हो गया अनहैप्पी, मीनिंग नॉट हैप्पी, अपोजिट हो गया, ओके. तो देखिए अभी देखते हैं क्या नया वर्ड बनता है. री टोटल, तो क्या हो जाएगा? री टोटल. और री टोटल का मतलब क्या होगा कि जो भी टोटल किया है ना उसको फिर से करो, टोटल अगेन, इस तरह से. री टेल, जैसे आपने कुछ बताया तो आपको बोल रहा है री टेल,
फिर से बताओ, रीटेल, टेल अगेन, ओके, डायल, जैसे आप कोई नंबर डायल करते हो और उसमें री लगा दोगे तो मतलब रीडायल, आपको बोलते हैं ना ऑप्शन आता है फ़ोन में रीडायल, मतलब जो नंबर लास्ट डाल किए डायल किया रहेगा वो फिर से रीडायल हो जाएगा, डायल अगेन, ओके। सो सिमिलरली हैप्पी अन के साथ अनहैप्पी मीनिंग नॉट हैप्पी, ऑफिशियल मतलब कामकाजी, और अनऑफिशियल मतलब हो जाएगा जो कि जिसका ऑफिशियल काम से कोई लेना देना नहीं है, अनऑफिशियल, कंफर्टेबल मतलब आराम से, अन लगा देंगे तो अनकंफर्टेबल मतलब आराम से नहीं है कोई, ओके। एक्सपेक्टेड लाइक आपको उम्मीद थी कोई काम की, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड मीनिंग आपको ऐसी उम्मीद नहीं थी, अनएक्सपेक्टेड, ओके, यू डिडंट एक्सपेक्ट दैट, दैट इज अनएक्सपेक्टेड। यूज द सफिक्स, देखिए यहाँ पे क्या था, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स होता है जो वर्ड्स के आगे लगता है स्टार्टिंग में, राइट। अभी यहाँ पे है सफिक्स, सफिक्स और इसको पोस्टफिक्स भी बोलते हैं, ये क्या लगेगा, लास्ट में लगेगा वर्ड के लास्ट में, जैसे वंडर, वंडर और फुल, तो क्या हो गया वंडरफुल, फुल ऑफ वंडर, ये इसके मीनिंग को और बढ़ा देता है, जैसे वंडर तो वो पहले से ही था पर वंडरफुल हो गया अभी, फुल ऑफ वंडर। हार्म, फुल लगा देंगे तो हार्मफुल, ओके, मतलब हार्म मतलब नुकसान और हार्मफुल मतलब नुकसान पहुंचाने वाला। होप तो हो जाएगा होपफुल, ओके, ऐसे ही फियर, फियरफुल, ओके, डरावना, फियरफुल। चलिए नेक्स्ट, तो आपको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स या सफिक्स समझ में आ गया होगा, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। डिस्कस विथ योर फ्रेंड्स एंड राइट एज मैनी कॉम्बिनेशन एज यू कैन फ्रॉम द टेबल, लाइक यहाँ पे एक टेबल दी है और ये दूसरी टेबल दी है, सो जैसे ओल्ड और टेबल, तो क्या होगा, ओल्ड टेबल, चेयर, ओल्ड चेयर, मैन, ओल्ड मैन हो सकता है, वुमेन, ओल्ड वुमेन हो सकता है, चाइल्ड, ओल्ड चाइल्ड नहीं होता, राइट, देर इज़ नो वर्ड लाइक ओल्ड चाइल्ड, बॉल, बॉल हो सकता है, ओल्ड बॉल, ट्रेन, ओल्ड ट्रेन क्या होता है, ओल्ड ट्रेन नहीं, तो टिकट, ओल्ड टिकट हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, ओल्ड बिल्डिंग, ओल्ड स्कूल हो सकता है, या फिर ओल्ड स्कूल भी थोड़ा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है, ओल्ड स्कूल, राइट, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस, इसको हमें नया बनाना है। आइए देखते हैं, जैसे न्यू, सो न्यू के साथ भी न्यू चेयर, न्यू मैन, सॉरी मैन नहीं, न्यू बॉल हो सकता है, न्यू ट्रेन हो सकता है, न्यू टिकट, राइट, एंड न्यू बिल्डिंग, न्यू स्कूल भी हो सकता है, एक नया स्कूल, राइट, न्यू स्कूल। देन वीक, वीक चेयर, वीक मैन हो सकता है, वुमेन, राइट, इस तरह से आपको कॉम्बिनेशंस बना के नए नए वर्ड्स बनाने हैं, ओके। सो दिस इज़ अ सेल्फ डू एक्टिविटी, तो आप इस तरह के सेंटेंस लिखिए, और अगर आपको कुछ भी डाउट है, क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट करके बताइए, ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यूज़ द फॉलोइंग क्लूज, राइट अ पैराग्राफ अबाउट अ जर्नी विच यू अंडरटुक, ओके, अगर आप आपको कोई भी एक छोटी सी स्टोरी लिखनी है, जैसे आप कहीं पे जर्नी करने गए हो, कहीं पे आप गए हो, वो लिखना है, और आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, व्हेन एंड वेयर डिड यू गो, आप कब और कहाँ गए थे, ये आपको इंक्लूड करना है, तो आप लिख सकते हो लाइक आई वेंट टू छत्तीसगढ़ इन अ मंथ ऑफ लेट्स से मार्च 2020 और समथिंग, इस तरह से आप इसका लिख सकते हो। हाउ डिड यू प्लान एंड प्रिपेयर योर जर्नी, आपको कैसे प्लान किया और किस तरह से आपने प्रिपेयर किया, जैसे प्लान आप करोगे कि मुझे ये हफ्ते में मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक का प्लान है, और उसके लिए आप टिकट बुक करोगे, होटल बुक करोगे रहने के लिए, या फिर जो भी आपका अरेंजमेंट होगा वो आप लिख सकते हो। हाउ मेनी पर्सन वेंट विथ यू, आप कितने लोग गए थे, ये लिख सकते हो। Do you remember any fellow passenger? तो आपको रास्ते में कोई पैसेंजर जिनसे आपकी बातचीत हुई हो,
वो आपको लिखना है, व्हाट आर योर एक्सपीरियंस ऑफ द जर्नी, और ओवरऑल जर्नी का जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा वो आपको शेयर करना है। तो आप इस पे कुछ पैराग्राफ लिख सकते हो। ओके, तो दिस इज़ अ सेल्फ डू एक्टिविटी, तो आप खुद से लिखिए। अगर आपको इजी है, इजी बनाना है, तो आप एक काम कर सकते हो, पहले आप हिंदी में लिखो और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, तो आपको इजी पड़ेगा। ओके, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, दिस इज़ अ सेल्फ डू एक्टिविटी, सो आई होप यू कैन डू इट। देन राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट यू 4 days लीव एज यू आर गोइंग आउट ऑफ स्टेशन। और एसी से रिलेटेड जैसे आप प्लान कर रहे हो, तो इसे आपको स्कूल से छुट्टी भी चाहिए होगी, राइट? जैसे आप मंडे टू फ्राइडे प्लान कर रहे हो, तो आप स्कूल से छुट्टी भी चाहिए होगी, तो आप इसी को लेके आप अपने प्रिंसिपल को एक छुट्टी के लिए एप्लीकेशन भी लिखनी है, तो वो भी आप इसके साथ ही लिखिए। ओके, और आपको कुछ भी क्वेश्चन है, कमेंट्स है, आप इसके ऊपर कुछ हेल्प चाहते हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वी विल हेल्प ऑन दैट। लेट्स डू इट। रोल प्ले, रीड द फॉलोइंग टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन इन अ क्लास इन ग्रुप्स ऑफ टू, रिपीट विद एटलीस्ट 4 ग्रुप्स। तो ये बस कुछ कॉन्वर्सेशन दी हुई है, आपको इस तरह से रिपीट करना है, जिससे आपको कॉन्वर्सेशन स्किल्स आपका बेटर हो। जैसे रोल प्ले, दीपिका, हेलो, इज़ दिस द फायर स्टेशन? दीपिका, जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है वो कॉल करने वाला बन जाएगा, और कोई दूसरा स्टूडेंट है वो ऑफिसर बन जाएगा। जस्ट प्रिटेंड, दीपिका कॉल करेगी, हेलो, इज़ दिस द फायर स्टेशन? क्या ये फायर स्टेशन है? द ऑफिसर, तो दूसरा स्टूडेंट है वो ऑफिसर बना हुआ है, वो बोलेगा यस यस प्लीज़, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? दीपिका, आई एम दीपिका कॉलिंग फ्रॉम जेल रोड, तो बोल रही है, अपना एड्रेस बता रही है कहाँ से वो बात कर रही है। द ऑफिसर, यस प्लीज़, व्हाट हैज़ हैपन्ड? क्या हुआ बताओ? ऑब्वियसली फायर स्टेशन में कॉल किया है तो कुछ बात ही होगी। दीपिका, माई नेबर्स हाउस इज़ ऑन फायर, मतलब मेरे पड़ोस के घर में आग लगी हुई है। स्मोक इज़ कमिंग आउट ऑफ द विंडो, और खिड़की से क्या है, स्मोक बाहर आ रहा है। द पीपल इनसाइड आर क्राइंग फॉर हेल्प, और उसके अंदर लोग हैं जिनकी आवाज़ें आ रही हैं। द ऑफिसर, गिव अस द एग्जैक्ट एड्रेस प्लीज़, अब उनको पहुँचना है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हमें प्रॉपर एड्रेस बताओ। दीपिका, कम टू द गांधी आई हॉस्पिटल, गो स्ट्रेट, टर्न लेफ्ट एंड इट्स अ थर्ड हाउस ऑन द राइट। तो वो उसको क्लू दे रही है कि आपको हॉस्पिटल तक आना है, फिर थोड़ा और स्ट्रेट आना है, उसका टर्न लेफ्ट, लेफ्ट मुड़ना है, उसके बाद थर्ड हाउस आपकी राइट साइड पर दिखेगा। तो उन्होंने एक एग्जैक्ट लोकेशन रफली बता दिया, जिससे उनको आने में ईजी रहेगा। द ऑफिसर, ऑल राइट, वी आर जस्ट कमिंग, वो फिर स्टाफ्स को बोलता है, कम ऑन बॉयज़, वी मस्ट रीच इमीडिएटली। वो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, वो बाकी लोगों को भी रेडी करने को बोलता है। तो दिस इज़ अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन अ पर्सन एंड द फायर डिपार्टमेंट। तो आप इसी तरह से रोल बदल बदल के, पहले आप कॉलर बनिए, फिर दूसरा आपका फ्रेंड होगा वो ऑफिसर बनेगा, फिर आप ऑफिसर बनिए और अपने फ्रेंड को बोलिए कॉल करने को। तो दिस इज़ लाइक अ रोल प्ले यू कैन डू। और यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल है फायर डिपार्टमेंट का, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो, लाइक यू आर हंग्री, यू आर डायलिंग डोमिनोज पिज्ज़ा। सो आप उनसे पूछ सकते हो कि मुझे भूख लगी है, आप मुझे पिज़्ज़ा सजेस्ट करो, फिर डोमिनोज आपको पिज़्ज़ा आपका ऑर्डर लेगा और आपको घर पे डिलीवर करेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हो, राइट? इट्स लाइक वेरी यू नो इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन। या चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। गेट अ रेलवे रिजर्वेशन फॉर्म फ्रॉम द रेलवे रिजर्वेशन विंडो एंड फिल इट। तो आपको, जैसे आपने कभी रेलवे रिजर्वेशन टिकट बुक किया है रेलवे का, जनरली आज तो आप इंटरनेट पे जाके IRCTC.com करके खुद बुक कर सकते हो, पर पहले क्या होता था, हमें स्टेशन जाना होता था, विंडो से एक फॉर्म लेना होता था और वो फॉर्म फिल करके उनको देना होता था, फिर वो लोग बुक करते थे हमारे लिए। और वैसा आज भी होता है, अगर आज आप रेलवे स्टेशन जाके भी बुक कराना चाहो तो आप इजीली करा सकते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म किस तरह का होता है और उसमें आप क्या क्या फिल करते हो। तो आपके लिए मैंने ये इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में मैं एक फॉर्म की लिंक पेस्ट कर रहा हूँ, तो
आप वो लिंक पे जाके फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और वो फॉर्म आप देखिए किस तरह का होता है और किस तरह से उसको फिल करते हैं। ये इंडियन रेलवे की ही वेबसाइट है और यहाँ पर उन्होंने सारी भाषाओं में, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, कन्नड़ा और भी भाषाओं में फॉर्म दिया हुआ है, तो आप इसको देखिए और फिल करिए। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, वी विल गेट बैक ऑन दैट। ऑलराइट, सो हियर आवर लेसन नंबर 5 इज ओवर, सो वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विथ लेसन नंबर 6। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ऑल द बेस्ट, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।